सो है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्टार्टिंग में जो क्लिप आपने देखा है वो कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। आज की वीडियो में दो गेम प्ले रहेगा, दोनों के दोनों एकदम नेक्स्ट लेवल वाला गेम प्ले होने वाला। मैं सोच रहा हूँ कि कल से ना मतलब एक गेम प्ले पबजी मोबाइल केयर का और एक गेम प्ले VGMI का अपलोड करूंगा। फिलहाल के लिए यहाँ पर बग्गी लेके ये वाला लोकेशन पर आया था मैं रिकॉल वाला कार्ड लेने के लिए। यहाँ पर सामने साइड एक बंदा स्पॉट होता है। और कल शाम तक ना मैंने 4700 पॉइंट कंप्लीट कर लिया थे BGMI में। उसके बाद भाई कल शाम से अभी तक मैं मैचिंग कर रहा हूँ भाई, एक भी मैच मेरा लग ही नहीं रहा है। अब इससे अंदाजा लगा सकते हो BGMI पूरा डेड होने वाला है। अगर भाई कुछ ही दिनों में अगर अपडेट ये लोग नहीं देते ना भाई, BGMI बिल्कुल डेड होने वाला है। अब बग्गी लेके मैं बंदर ढूंढते हुए ये वाला लोकेशन पर आ जाता हूँ। यहाँ पर एक बंदा क्या कैम करता है देखना। अब ये वाला बंदे को मारने के बाद मैं इसके पेटी लूटने के लिए जाता हूँ। उसका पेटी लूटने के बाद दोबारा वापस आके मैं बग्गी पे जैसे ही बैठने जाता हूँ तभी यहाँ पर कुछ चीज़ नोटिस होता है। अब ये वाला बंदे के पास अच्छी वेपन होता ही नहीं, इसके पास सिर्फ BSS होता है कि SLR था। अगर इसके पास AKM या M4 होता ना तो यहाँ पर मेरी पेटी बन गया था। अब ये वाला बंदे को मारने के बाद मैं बग्गी लेके इधर आया था, यहाँ पर एक ड्रॉप होता है। मेरे साथ एक बंदा भी आया था, मैं जाके पहले ड्रॉप लूट लेता हूँ, उसमें से मेरे को MG3 लाइट मशीन गन मिल जाता है। ये वाला बंदे को मारने के बाद यहाँ पर मेरा 4 किल हो गए। तो उसके बाद गाड़ी लेकर और बंदा ढूंढते हुए इस साइड है। तो यहाँ पर एक बंदे ने फ्लेयर चलाया था। और पबजी मोबाइल केयर में ना शॉप से अगर फ्लेयर गन आप परचेज करते हो ना, जो शॉर्ट टोकन से लेते हो ना, आप भी BGMI में रेड कलर की फ्लेयर गन मिल रहा है और यहाँ पर ग्रीन कलर की हो गए। अगर आप चला देते हो ना मतलब 1 सेकंड मतलब 5 से 10 सेकंड के अंदर आपकी ड्रॉप आ जाता है। अब ये वाला बंदा को यहाँ से मैंने डैमेज दे दिया था। बग्गी लेकर सीधा रश करने के लिए जाता और यहाँ पर दूर के साइड और एक बंदा होता है जो कि मेरे को मारने का ट्राई करता है। और मेरे साथ ना एक ग्लिच चल रहा है, यहाँ पर भाई फायरिंग बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन फायर ही नहीं हो रहा। अब यहाँ पर जो दूर के साइड जो बंदा होता है ना, वो वाला बंदा यहाँ पर मेरे को स्पॉट हो जाता है। ये वाला बंदे को मारने के बाद मैं बग्गी लेके यहाँ से जा रहा था तभी यहाँ पर लेफ्ट साइड पेड़ के पीछे एक बंदा मेरे को स्पॉट होता है। और अभी मेरा जो टायर है ना पबजी मोबाइल केयर में, अभी गोल्ड से मैंने स्टार्ट किया था, अभी मेरा प्लेटिनम 2 पे हार्ड मैच ट्राई करूंगा डायमंड पहुंचाने का। अभी वाला बंदा पेड़ के पीछे होता है, पहले मैं एक नेट कुक करता हूँ। जैसे नेट फेंकता हूँ ये वाला बंदा यहाँ से निकलने का ट्राई करता है। ये वाला बंदे को मारने के बाद यहाँ पर मेरा 11 किल हो गए। तो उसके बाद बंदा ढूंढते हुए मैं इस साइड आ जाता हूँ। इसमें जो लास्ट वाला बंदा बचता ना वो ग्लिच हो गया था। यहाँ पर सामने से जो स्नाइपर टावर होता ना, यहाँ पर एक बंदा होता है, उससे मैं फाइट लेने के लिए आ जाता हूँ। ये वाला बंदा को तो मैं मार देता हूँ। अब इसमें जो लास्ट वाला बंदा बच रहा था वो वाला बंदा यहाँ पर ग्लिच हो गया था। अब बात करते हैं इसके सेकंड वाला गेम प्ले के बारे में। और ये वाला मैच में स्टार्टिंग वाला जो किल है ना, वो अगर देख के अगर आपको मजा आया ना तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ये वाला किल कैसा लगा मेरे को कमेंट करके बताना। यहाँ पर और एक बंदा मेरे साथ लैंडिंग किया था जो कि मेरे सामने साइड होता है, मैं उससे फाइट लेने के लिए चला जाता हूँ। ये वाला बंदे को मारने के बाद यहाँ पर फुटबॉल वाला जो व्हीकल होता है ना वो मेरे को मिल गया था। मैं फुटबॉल वाला व्हीकल लेके ये वाला लोकेशन पर आ जाता है रिस्पॉन्ड वाला जो रिकॉल वाला कार्ड है वो लेने के लिए। यहाँ पर आने के बाद मेरे को सामने साइड एक बॉड भी स्पॉट हो जाता है, एक बंदा भी मिल जाता है। रोड के साइड राइट साइड में गाड़ी भी लगा होता है, मैं गाड़ी लेकर और बंदा ढूंढते हुए मैं इधर रोजक साइड आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद एक बंदा भी जस्ट बॉड को मारा था। ये वाला बंदा को मैं जैसे ही मारता हूँ तभी लेफ्ट साइड से और एक बॉड आ जाता है। ये वाला बॉट को मारने के बाद मैं और बंदा ढूंढते हुए मैं पोचिंग की साइड आता हूँ। यहाँ पर एक बंदा होता है और ग्लिच पता नहीं मेरे साथ क्यों होता है भाई, मैं फायरिंग बटन पे क्लिक किया था यहाँ पर फायर ही नहीं होता। अब यहाँ पर अगर मैं जंप नहीं करता ना तो मेरी यहाँ पर पेटी बन गया था। नीचे के साइड आके पहले मैं हेल्थ वगैरह कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद थोड़ी सी कंट्रोल चेंज कर लेता हूँ। अब मेरे जैसे बॉट के कंट्रोल देख के भाई आपको कैसा लगा, मैं मुझे पता है भाई आपको अच्छा लगा नहीं होगा क्योंकि भाई मेरे कंट्रोल ऐसा है ना मतलब किसी को समझ भी नहीं आएगा। अब यहाँ पर मैं अपना कंट्रोल ठीक कर ही रहा था तभी राइट साइड से एक बंदे का फुटस्टेप आता है। यहाँ पर मेरे पास गोल्डन शूज था। अब यहाँ से मैं फ्लैश से थोड़ी सी पावर उधर ले लेता हूँ और यहाँ पर सामने साइड जो बंदा होता है ना इसको मारने के लिए मैं यूज करता हूँ।
ये वाला बंदे को मारने के बाद यहाँ पर मेरा 8 किल हो गया था। उसके बाद मेरा 100 टोकन हो जाता, मैं गाड़ी लेके सीधा गटका वाला जो शॉप होता है ना वहाँ पर चला जाता हूँ। अब यहाँ पर मैं शॉप से तो फ्लेयर गन ले लिया, तो ये वाला जो फ्लेयर गन है ना ग्रीन कलर की होता है, मतलब पबजी के यार में चेंज हो रहा है। और यहाँ पर मेरे साथ कैश स्कैम हो जाता है पता है। यहाँ पर मैंने फ्लेयर गन इसलिए लिया था कि BRDM मंगाने के लिए, लेकिन ये वाला गन से भाई BRDM नहीं आता, सिर्फ ड्रॉप आता है। और यहाँ पर 5 सेकंड में ड्रॉप आ जाता है मेरा। यहाँ पर जोन के बाहर मैं फ्लेयर इसलिए चला था कि भाई BRDM मेरे को चाहिए था, लेकिन यहाँ पर मेरे साथ स्कैम हो गया तो मैं यहाँ पर ड्रॉप आ जाता है। ड्रॉप लूटने के बाद मैं यहाँ से निकाल ही रहता था, फिर सामने साइड से एक गाड़ी का रोटेशन आता है। ये वाला बंदे को मारने के बाद मैं आज बग्गी लेके सीधा जोन के अंदर चला जाता हूँ। ये वाला लोकेशन पर आता हूँ तो यहाँ पर आने के बाद मेरे को राइट साइड पहाड़ के ऊपर एक बंदा स्पॉट होता है। और वीडियो की स्टार्टिंग में एक क्लिप मैंने दिखाया था ना, ऐसा बंदा भाई मिलेगा जब मेरे टायर मतलब क्राउन एस पे मैं पहुंचूंगा, तो ऐसे बंदे से मेरी फाइट भी होगा। तो यहाँ पर आके मैं होल्ड कर रहा था, नेक्स्ट जोन बनने का मैं वेट कर ही रहा था, तभी यहाँ पर सामने से और एक बंदा है मेरे को स्पॉट होता है। ये वाले बंदे को भी इजीली मैं मार, तो इसके बाद वाला जो जोन होता है मेरे से दूर बन गया था। यहाँ से मैं जैसे निकाल लेता था और यहाँ पर एक बंदा सामने साइड जो घर होता है ना वहाँ पर कैम्प करके बैठा होता है, ये वाला बंदा बच जाता है यहाँ पर। अब ये वाला बंदा यहाँ पर तो बच जाता है, लेकिन इसको तो मैं लास्ट में मार के चिकन डिनर ले लेता हूँ। ये वाला बंदा को मैं इग्नोर मारता हूँ, मैं गाड़ी लेकर सीधा जोन के अंदर चला जाता हूँ। अब जैसे जोन के अंदर आता हूँ तभी ये वाला बंदा मेरे को स्पॉट होता है, इसको कुचल देता हूँ। इसको कुचलने के बाद यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर और एक बंदा होता है मेरे को स्पॉट हो गया। ये वाला बंदा को जैसे ही मारता हूँ तभी और एक बंदा मेरे को पेड़ के पीछे स्पॉट होता है। और अभी जो मेरे टायर है ना अभी प्लैटिनम टायर है, इसलिए भाई इतना मतलब अच्छा प्लेयर नहीं आ रहा है। अब जितना ऊपर मैं जाऊंगा अच्छा प्लेयर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अब लास्ट ही बंदा बच रहा था जिसको मैं बग्गी लेके ढूंढने का ट्राई करता हूँ। अब बग्गी लेके मैं ये वाला बंदा को ढूंढ ही रहा था तभी मेरे को राइट साइड एक जोन के बाहर बंदा स्पॉट हो जाता है। कमेंट में बताना आज के गेम प्ले आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर लेना। मैं मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।